तो दोस्तों ये मैंने एक स्टार्टर बनाया है, ये DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और ये है रेल गाड़ी के कंप्रेशर की मोटर का स्टार्टर। जी हाँ, हमारे हरियाणा कैथल शहर के अंदर रेल गाड़ी के कंप्रेशर बनाए जाते हैं, तो उस कंप्रेशर के ऊपर जो मोटर लगी थी उसके लिए स्टार्टर है। दोस्तों इस मीटर के अंदर पैरामीटर कैसे बरतते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखिए ML का कॉन्टैक्टर लगा, यानी कि DOL स्टार्टर बनाया गया, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्टर के ऊपर ML का कॉन्टैक्टर है और ML की रिले, ठीक है। इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस मीटर के लिए 3 सीटियाँ लगी हुई हैं, और इस मीटर के अंदर भी पैरामीटर कैसे बरते हैं तो वो बताऊँगा, और जो ML का कॉन्टैक्टर है इसके ऊपर जो रिले लगी हुई है ML की, ठीक है, इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, इसके कैसे कनेक्शन होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मीटर के अंदर पैरामीटर कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले कनेक्शन कैसे करने होते हैं इस मीटर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पर लिखा हुआ है L और N, यहाँ पर देनी होती है 220 वोल्टेज, ठीक है, इसको चलाने के लिए, इस मीटर को चलाने के लिए L मैंने लाइन, N मैंने न्यूट्रल। उसके बाद तीनों फेस आएंगे RYB, यहाँ पर तीनों फेस आएंगे और N मैंने न्यूट्रल आएगा। यहाँ पर लगेंगी सीटी की तारें। दोस्तों इस मीटर के लिए 3 सीटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए L और N, यहाँ पर सप्लाई आएगी, लिखा भी हुआ है, ठीक है। L1, L2, L3 ये तो फेस हो गया आपके, यहीं पे RYB, यहाँ पे N मैंने न्यूट्रल हो गया, यहाँ भी न्यूट्रल हो गया। अब उसके बाद S1 पर आपकी सीटी की लाल तार लगेगी, S2 है जो, ठीक है, और यहाँ पर भी सीटी की लाल तार लगेगी, S3 है जो, यहाँ पर भी सीटी की लाल तार लगेगी। उसके बाद L1 पर सीटी की काली तार, और L2 पर भी सीटी की काली तार, और L3 इस पर भी सीटी की काली तार लगेगी। दोस्तों S1 पर जिस सीटी की लाल तार लगेगी ना उसी सीटी की काली तार L1 पर लगेगी, और जिस सीटी की लाल तार S2 पर लगेगी उसी सीटी की काली तार L2 पर लगेगी। इसी प्रकार जो S3 है इस पर जैसे सीटी की लाल तार लगेगी ना उसी सीटी की काली तार L3 पर लगेगी। तो सीटी के तो इस प्रकार कनेक्शन होंगे। अब इसके अंदर पैरामीटर कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। तो लीजिए मैंने इसे सप्लाई दे दी है, ये यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर मैंने फेस दिया है और यहां पर मैंने न्यूट्रल दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर पैरामीटर कैसे भरते हैं। SEL सेलेक्ट के बटन को दबा के रखिए थोड़ी देर। अब इसको दोबारा दबाइए, ये आपकी सीटी रेशियो है, ये बटे 5 है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है सीटी की। तो प्राइमरी रेशो जो भरते हैं, जैसे इसके अंदर ये आ गया आपका 100 बटे 100 आ गया इसके अंदर, और 100 बटे 5 हो गया ये। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सीटी कहाँ तक भर सकते हैं आप। ये देखिए 3000 तक की सीटी, 4000 तक, 5000 तक, दोबारा 10 की आ गई है, 10 बटे 5, 20 बटे 5, 25 बटे 5, 30 बटे 5, 40 बटे 5, ऐसे करके। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर 100 की सीटी भर रहा हूँ, ज़्यादा हो गए, दोबारा करता हूँ मैं इसको 1 मिनट। मैं इसके अंदर 50 बटे 5 की सीटी भरने वाला हूँ, 50 बटे 5 की सीटी भरनी। अब एंटर का बटन दबा दीजिए, तो लीजिए सिलेक्ट हो गया, बस और कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, सिर्फ सीटी रेशियो ही इसके अंदर भरनी होती। तो मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए 3 सीटियां लगी हैं इसके अंदर, और ये मैंने कनेक्शन कर लिए हैं इसके। दोस्तों ML के कॉन्टैक्टर और ML की जो रिले होती है उसका DOL स्टार्टर, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे पास है ML3 का कॉन्टैक्टर, ML का कॉन्टैक्टर कोई भी हो, ML1.5 का हो या फिर 2 का हो, ML3, ML4 हो, ठीक है, और ये रिले लगी हुई है इस पर। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टर चला के बताता हूँ।
अब इसके कवर को उतार लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सप्लाई आती है वो आती है सिंगल पोल की एमसीबी में से, 6 एम्पीयर की एमसीबी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई आएगी, यहाँ से तार आएगी यहाँ पर। ये इस रिले का एनसी है 95 और 96, ये इसका एनसी है। इस बटन को दबाओगे तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे, इसका एनसी है 95 96, और ये 93 और 94 ये इसका एनओ है, ठीक है। और अगर आप इस सफ़ेद वाले बटन को दबाएंगे तो जो ये एनओ है ये एनसी बन जाएगा। शुरू में तो ये ओपन है, इसको दबाएंगे तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही इधर ये दोनों आपस में इस समय शॉर्ट हैं क्योंकि ये एनसी है। अगर इस बटन को आप दबाएंगे तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे। तो एमसीबी की तार यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक ये तार और एक ये तार, ठीक है। ये दोनों तार एनसी स्विच के यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पे। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, एक ये तार और एक ये तार, ठीक है, ये एनसी स्विच के यहाँ लगी हुई है, यहाँ और यहाँ। उसके बाद यहाँ यहीं से उठाकर और ये वाली तार, ये दोनों, ये पीली तार आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली तार और ये वाली तार, ये पीली तार है 93 और 94, ये दोनों तारें यहाँ पर लग जाएंगी सीधा, बस एनओ स्विच पर लग गई। उसके बाद एक तार यहां से उठाकर इस कॉन्टैक्टर के एनओ पर लगेगी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, ये देखिए एनओ पर लगी है तार। इसी कॉन्टैक्टर के दूसरी ओर जो एनओ है ना वहां पर तार लगेगी, और वहां से तार उठाकर इस कॉन्टैक्टर के A1 पर लग जाएगी। इस कॉन्टैक्टर का A2 डायरेक्ट न्यूट्रल है। अब यहीं से एक तार और उठाकर, या तो A1 से उठा लीजिए या यहीं से तार, ये देखिए दोनों तारें इकट्ठी लगी हुई हैं, दूसरी तार यहां से उठकर आ जाएगी ए यहां पर। तो ऐसे इसकी कंट्रोल वायरिंग के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहीं से भी आपका कॉन्टैक्टर चल सकता है, ए यहां से ऑन होगा, ये देखिए, और यहां से आपका कॉन्टैक्टर ऑफ होगा, यानी कि आपका स्टार्टर यहाँ से चल सकता है और यहाँ से बंद हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए मैंने इस रिले को 35 पर सेट किया हुआ है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं 35 पर सेट है, और ये मोटर 40 एम्पीयर ले रही है इस स्टार्टर पर, ठीक है, तो ये रिले ट्रिप हो जाएगी। तो क्या हुआ, शुरू में तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे क्योंकि एनसी है, जैसे रिले ट्रिप होगी तो ये दोनों आपस में ओपन हो जाएंगे और आपका ये वाला कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। फिर से इस रिले को चलाने के लिए, ठीक है, तो इस बटन को दबाना पड़ेगा बार बार, तब ये रिले रीसेट हो जाएगी और ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और फिर से आपका कॉन्टैक्टर चल सकेगा। तो दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें।